डिप्टी कमिश्नर करक मुजीब रहमान की सरबराही में इंतजामी अफसरान ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG के इस्तेमाल के खिलाफ शिकंजा कस लिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 शमीम खान की इंडस हाईवे पर पुराना टाल प्लाजा के मुकाम पर नाकाबंदी, दर्जनों मुसाफिर गाड़ी मालिकान ड्राइवर को पकड़ कर भारी जुर्माना कर दिया गया। दोबारा खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त करने का फैसला कर लिया गया है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 ने डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हिदायत पर गुज़िश्ता रोज इंडस हाईवे पर पुराना टल प्लाजा के मुकाम पर नाका लगाकर मुसाफिर गाड़ियों बिलखसूस फ्लाइंग कोचेज को चेक किया। इस मौके पर मोटर व्हीकल एग्जामिनर मिनहाज खान समेत पुलिस थाना करक के SHO तारिक औरंगजेई भी मौजूद थे। चेकिंग के दौरान दर्जनों मुसाफिर गाड़ियों में LPG किट्स पाए गए, जिसकी पादाश में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर करक ने गाड़ी मालिकान और ड्राइवरों को भारी जुर्माना किया। मोटर व्हीकल एग्जामिनर ने CNG किट्स की सेफ्टी का भी जायजा लिया और खिलाफ वर्जी पर मजीद मुतादद गाड़ी मालिकान को जुर्माने कमा दिए। से मकामी मीडिया को तफसीलात फराहम करती हुई AC1 शमीम खान ने कहा कि LPG किट्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के मालिकान के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी, क्योंकि LPG किट्स ममनू और इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने कहा कि गाड़ी मालिकान को आखिरी वार्निंग देते हुए खबरदार करता हूं कि अगर LPG किट्स न हटाए गए तो गाड़ियों को जब्त करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथी रिपोर्टर इनायत रहमान के साथ सजाद उस्मान, दस्तक न्यूज़।